गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स योर ड्रीमा 46 गुड मॉर्निंग जस्ट लेट सांगलो और आज मेरा ड्यूटी का फर्स्ट डे है और वैसे आप लोगों को नहीं पता हो या किसी को पता हो पहले मैं जॉब करती थी तो सुबह 7 बजे उठ जाती थी क्योंकि कभी जॉब पे कभी लेट हुई नहीं हूँ मैं वो आदत थी काम होता तो मैं कभी भी जॉब पे लेट हुई नहीं हूँ तो आज भी ऐसा ही है मेरा उठ चुकी हूँ अभी गर्म पानी कर दिया है दीदी भी आ गई है ब्रेकफास्ट कर दिया हम लोगों का विजय और मेरा टिफ़िन बनेगा खाना बना दिया दीदी ने खाना पैक भी हो गया ठीक है तो इतना ठंड है ना मेन तो क्या है मैं पर 3 सीढ़ियों से गिर गई थी ना तो वो वाला पेन मेरे बैक पे अभी भी है बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मूव लगाया स्प्रे लगाया और अब मैं पेन किलर लेके जाऊँगी खा के और विजय और मैं दोनों एक ही जगह पे ड्यूटी है मतलब हम दोनों का ओनर एक ही है जहाँ मैं काम पे लगी हूँ और मम्मा आएगी 12-1 बजे मेरी छोटी बहन रिसीव करने जाएगी मम्मा को क्योंकि मम्मा लगेज बहुत है मम्मा का मैं ही जाने वाली थी मगर काम पे लग गई तो मैंने मम्मा बोला मैं आऊँ क्या करूँ तो मम्मा ने बोला अच्छा है यार काम करेगी तो मुझे बहुत खुशी है तो काम कर ले सोनम रिसीव कर लेगी मम्मा को और अभी नहा के फ्रेश होके निकलना है तो आप सबसे मैं दोपहर में मिलती हूँ मौका मिला तो व्लॉग बनाऊँगी आप लोग देखना मेरा अच्छा दिन मेरा फर्स्ट दिन अच्छा जाए बस यही दुआ करती हूँ गर्म पानी पीना बेहतर लग रहा है और मेरा वेट भी बहुत कम हुआ है पहले से वेट बाद में चेक करूँगी मैं कितना हुआ है क्या है ओके ये इसलिए है क्योंकि बीच में डाइटिंग तो नहीं करती मैं मगर भाग दौड़ बहुत हो गई थी ना तो इसलिए ओके गाइस तो आप सब बने रहो और आपका दिन शुभ जाए आज का आई होप आप लोग सब अपने घर पे अच्छे हो ओके थैंक्स स्टे ट्यून्ड फाइनली मैं नहा के आ गया हूँ नहा चुकी अब मैं रेडी होऊंगा मतलब ड्रेस तो पहन लिया है मैंने ठीक है और मैंने बाल नहीं धोया बॉडी धोई है बस भाई मेरे को बीमार नहीं पड़ना इसलिए अयो बीमार पड़ जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए बीमार नहीं पड़ना मेरे को विजय भी फ्रेश अप हो रहा है बहुत ठंडी है दिल्ली में बस बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से मैं तो गर्म पानी से नहीं आया भाई ऐसा लग रहा है बॉडी को ना एक फीलिंग सी मिल गई तो आप बेचारा ठंड की वजह से सुकड़ गया था मतलब मेरे को 2-3 दिन नहाया नहीं था ना सच में मैं झूठ बोलता नहीं हूँ नहाया नहीं था मैं क्योंकि मेरे को भागना पड़ रहा था तो नहाया नहीं और एक तो एक ठंडा पानी नहाया नहीं था एक तो एक कमर में दर्द थी इसलिए बाथरूम में बैठने भी नहीं हो रहा था मेरे को ना परसों मैंने टूल वूल लेके आया ना तो बाथरूम में बैठ के नहा रहा हूँ बाल तो मैं कल भी धो सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है बाल बार बार धोना भी सही नहीं है आजकल मैं बाल खुला छोड़ रहा हूँ क्योंकि ठंडी है ना इसलिए वरना मैं बाल बांध देती कोई बात नहीं बालों का क्या है कि नहीं बालों का क्या है हो गया और अब हम लगाएंगे ये वाली सॉफ्ट क्रीम निविया की
मैंने लिया था। क्या करें अब, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा थोपरे पे। मेरा पॉन्स ख़त्म हो गया था तो उसी दिन वहाँ से ले रहा था तो ये लिया मैंने। थोपरे पे लगाना पड़ेगा थोपरे पे, क्योंकि ठंड की वजह से थोपड़ा ख़राब हो रहा है, ख़राब ख़राब हो रहा है, ख़राब थोपड़ा पूरा। ठंडी इतनी है, ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा। कल मैंने रिंग लाइट मतलब वो शीशा लिया था स्विच वाली, आपको वो लाइट इंस्टा पे दिखाई थी मैंने, बहुत प्यारा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था यार। मैंने 2100 में लिया वो, ठीक है 2100 में, बहुत सुंदर था वो। लड़के को बुलाया मैंने, ड्रिल मशीन वाले को, कल 10-15 मिनट में आऊँगा बोला, आया ही नहीं बंदा ना कसम से। कल रात का व्लॉग देखा होगा आपने, हाँ कल नाखून होते हुए मैंने इतना काम किया, मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं खुद कल फुर्ती में थी बहुत ज़्यादा, काम होता है तो इंसान फुर्ती में रहता ही है, काम नहीं होता ना तो मैं बहुत आलसी हूँ। काम हो है तो भाई मेरे से, मेरी माँ को पूछ सकते हो, मम्मी आ रही है ना आज, मेरी माँ से पूछना, जब मैं काम करने लग गई ना मेरा मूड होगा ना, इतना काम करूँगा इतना काम करूँगा, पूछो घर का। पहले 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 मम्मा हम लोग, मैं मनगोड़ में रहती थी ना, मेरा मूड बनता था खाना से लेके कपड़े से लेके पूरा काम करता था मैं। मैं अपनी बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो सच है बता रहा हूँ, मूड पे डिपेंड था मेरा पहले। और पार्लर्स में वगैरह में भी काम किया है इन्होंने, अब हैरान हो जाते। थेरेपिस्ट जब थी मैं, मसाज करती थी तब मैं, तो भाई साहब 90 मिनट तक कभी मसाज में छोड़ती नहीं थी, पूरा काम करता था। मेहनती हूँ नहीं करके नहीं, मत आलस, काम नहीं होता तो आलस हो जाता है इंसान, कोई भी क्यों ना, मेरी ही बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आलस बहुत जल्दी आती है। और मैं हूँ जो काम नहीं मिल, काम कुछ नहीं होगा ना तो मैं बहुत आलस हूँ, बहुत आलसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को शुगर की गोली और पेन किलर दोनों खाना होगा। पहले शुगर की गोली खाओ, पहले खाना तो खाऊं कुछ तो, फिर उसके बाद पेन किलर खाओ। गर्म पानी, गर्म पानी पिया बस, कुछ खाया नहीं, रोटी खाऊंगा, रोटी और आलू की सब्जी बनाई है दीदी ने। वो दीदी चाय नहीं बनाए? इंसान बिस्तर से उठेगा तभी तो चाय बनेगी ना, मुंह खोलेगा तो, मुंह खोलता है नहीं इंसान, जाने के बाद बोलते चाय बनी चाय नहीं बनाया, बोल के पूछ रहा हूँ, 11 बजे तो वैसे आ जाएगा चाय बना। चाय चाय पीपो की तो मुंह तो चाय जैसा हो गया। मेरा ट्रैक्टर सूखा कि नहीं सूखा है? सूखा है, वो वाला बाहर वाला, हाँ सूखा है। मेरा भी वहीं से लाया मैंने, ये वाला सूख गया। बस थोपड़े पे कुछ लगाना नहीं है मेरे को, उतना शौक नहीं है लगाने की। दो दो लाइट जला रखा है खुद ही जला के भाई साहब, मैंने एक ही लाइट जलाई अभी। इतना झूठ बोलता है ना ये बंदा, कसम से। तो मैंने जलाई थी, तुम मुझसे पंगे लिया मत कर सुबह सुबह। तुम मेरे से पंगा मत लो ठीक है ना, सुबह 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 मुंह इधर दिखाना थोड़ा। क्या ये बंदे को इतना उठाना पड़ता है, आज भी मेरे को उठाना पड़ता है, बहुत चिल्लाने। ये ना बचपन से ही ना अपने पापा मामा से पिट पिट के आया हुआ है ना, कभी प्यार से बोला तो नहीं माना हुआ है, तो ये बंदा बहुत ढीठ है। ढीठ समझते हो, ढीठ का मतलब वही है ये, क्या जब मैं दिल पे लगने वाली बात नहीं बोलूंगा ना तब तक ये उठेगा नहीं बिस्तर से, इसकी इसने ठान ले रखी है, तभी हमारा झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। उठते ही नहीं बिस्तर से यार, काम के लिए बोलता है इतना जल्दी जाके क्या करने वहां पे। भाई जल्दी जल्दी उठो तो बॉडी में एक्टिव रहता है, अच्छा रहता है,
बोलता हूँ मैं पहले काम नहीं करता था तो भाई मैं उठता नहीं हूँ बिस्तर से, खुली सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बिस्तर से, मेरे को कोई काम नहीं है, मैं क्यों उठूँ? मेरा काम सिर्फ व्लॉग बनाना है, मैं वो 15-20 मिनट का व्लॉग तो मैं वैसे ही बना लूँ यहाँ वहाँ जाके। सुबह तो मैं उठूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है। अब मैं काम है भाई, मुझे काम मिली, मेरे को खुशी एक्साइटिंग ही अलग है काम करने की। हाँ मुझे काम करने की एक्साइटिंग भाई, वो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे काम मिला है ना, जो मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो इसलिए तो क्या बोलो मैं इसको, बोलना सर फोड़ लेना एक ये दीवार पे। इसके साथ क्या पहनोगे? वही तो उठी, वो उठी होगी ना इसकी सेम कलर की, अंदर शर्ट पहन के उठी पहन लो। नीचे होगा, दीदी ने अच्छे से रखा हुआ है नीचे, ढूंढो ढूंढो तो भगवान मिलता है तेरे को, उठी नहीं मिल रहा। इतना आलस इंसान है कसम से, आलस इंसान है, खड़ा खड़ा यूं कर रहा है, नहीं मिल रहा, ढूंढेगा तभी मिलेगा ना, खड़ा खड़ा वहां देख नीचे उस साइड, मेरी ग्रीन पैंट के नीचे देख, मेरे को यहाँ से दिख गया, और नीचे देख वही लाइन पे, नीचे जा लास्ट में देख, काली मत सुन है कि नहीं, नीचे लास्ट में देख, यही कॉर्नर में मेरी आंखों में दिख रहा है भाई, पल्ली साइड है इधर बोल रहे थे, कहाँ पल्ली साइड, एमटी में साइड में तो दिख तो रहा है ना, पल्ली साइड कहीं पे भी वही लाइन पे है ना, इसी के साइड में है ना, पर तो पल्ली साइड में तुझे तो वो भी नहीं दिख रहा था जो मुझे आंख वहां से यहाँ तक दिख रहा था। ओ भाई साहब इसको आर्ग्यूमेंट करना तो मानना पड़ेगा भाई, ऐसा बुरा आदमी कसम से, जिंदगी बर्बाद सीधा चलने का, मैं भी ब्रश ब्रश करूंगा मुंह धोऊंगा सीधा निकलूंगा, दांत घस ले, वही तो बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ दी। मैं तो कसम से गरम गरम पानी नहा लिया, मैंने बोला उठ जा नहा ले, नहाया नहीं इसने। हाँ। मैं एक बार संडे नहाऊंगा ना भाई, ठंड है, ठंड में डेली नहाते रहोगे? गाइस यार देखो यार, बंदा हफ्ते में एक बार नहाता है, यार मैं पहले से नहाता है ऐसा, घर पे भी ऐसे ही नहाता, मेरे घर में भी पूछ लो, एक हफ्ते में एक बार, छी क्या छी, वहां पे तो ऑलरेडी ठंड होता है, ठंड हो तो क्या हो गया, गरम 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 किस लिए दिया हुआ है, ठंड को बचाने के लिए ना, नहा ही लेता क्या फायदा, ठंड पानी से नहाओ या गरम पानी से नहाओ, लगना तो ठंडी है, मेरे को तो नहीं लगी अभी, मैं नहा के आई हूँ, नहीं लगी, आने का साथ साथ करते करते कपड़ा पहना है, मेरे को बोल रहे हाँ तब तो पहनूंगा ना भाई, तब ठंड लगी, अब कहाँ लग रही है, स्टार्टिंग में तो लगी कि बाहर आने टाइम पे कोई भी क्यों ना है ना गाइस, तो फिर पागल इंसान ही है पूरा, मैं लिप बाम लगाना होगा लिपस्टिक नहीं क्योंकि होंठ बहुत फट रहे मेरे। अच्छा वैसे होंठ फट रहे, फिर क्या पढ़ना है, पैर और नहीं फट रहा, पैर का ये एडी फटता है ना बहुत बुरा दिखता है, नहीं मेरा पैर नहीं फटता, अब मैं ब्रश करूंगा उसके बाद मुंह धोऊंगा उसके बाद सीधा निकलूंगा, चलो 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 हो गया, देखने वाला मैं ही हूँ और कोई भी नहीं दिखेगा, ठीक है, मैं मेरा होंठ को ना फटा हुआ देख रहा हूँ, देखने वाले मैं ही हूँ, हाँ क्यों दूसरा देखेगा नहीं, मेरे को कस्टमर लो देखेगा ना, कस्टमर देखेगा मेरे को बोलेगा डिटोमा लेन मालिका, अब मेरा ऊपर जितनी गुस्सा आएगा उठाने के लिए बोला था बैठा, देख अपना अपना काम है भाई, खुली सी बात बोल रहा हूँ, अपना अपना काम करो, दूसरे का देखने का नहीं है, अब हम दोनों की एक ही जगह जुटिए, दोनों फटाफट सुबह उठो, सुबह फटाफट जाओ, रात को फटाफट आओ, यही काम है हमारा, फटाफट आओ, काम होता तो बैठना पड़ता है, वो भी तो देखो, वही कोई नहीं बैठना काम के लिए, रात के 2 भी बैठना पड़ जाए, मैंने कल भैया को नहीं बोला मैं बैठू, अब भैया ने नहीं तुम जाओ सुबह आओ बोला नहीं, ऊपर नीचे भी भागना पड़ता है, पहले बोल दे रहा हूँ, थर्ड फ्लोर मेरा बाप भागता था ना कब्र से उठ के, ऊपर जूता लेने के लिए नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट फ्लोर है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार भी भाग लू ये,
हाँ पहले वहाँ काम करे, थर्ड फ्लोर भागता था, याद देखनी तेरे को? वहाँ का छोड़ा ना, हाँ। यहाँ का बोल रहा हूँ, तो रियल बता रहा हूँ मैं, एक फ्लोर तो अरे काम करने के लिए तू मेरे को उंगली मत कर, तू तेरे से भी फुर्ती ज्यादा हूँ, देख ले तेरे से ज्यादा, तेरे ओनर के सामने काम नहीं, नाम नहीं कमाया ना मेरा, नाम डिरोमा नहीं, देख ले। अच्छा हाँ, ये चैलेंज करता हूँ मैं तेरे को, मेरे को चैलेंज कर, हाँ देख ले तू तेरे में कितनी फुर्ती है, मेरे में कितनी, देखते है एक ही जगह है काम, तू भी वही है मैं भी वही हूँ। तुम स्क्रीन में चढ़ते वक्त मैं दो तीन निकाल के आता हूँ, दो तीन निकाल, वही गड़बड़ वाला काम नहीं चाहिए भाई इंसान को, गड़बड़ वाला करता ही नहीं मैं भी, ठीक है। अब बकचोदी मत कर, बराबर रेडी होगा क्या? नहीं कर बकचोदी, कौन सा बकचोदी? बकचोदी बोला तो थोड़ा सही से सीखो। अच्छा मुंह देख ले खुद का, सलाम साहब जी, ये वाला है वो, कभी कभी तो ये मूछे वगैरह आती है ना, मेरे को लगता है वो चौकीदार में रहता नहीं है बाहर, ऐसा लगता है सलाम साहब जी बोल के। अभी यहाँ पे एक दाढ़ी रख ले, सेम लगेगा। चलो गाइस मॉर्निंग फर्स्ट ड्यूटी है मेरा, आर्गुमेंट ऐसे ही रहेगा, ये बंदा नहीं सुधरने वाला, कभी भी नहीं सुधरेगा ये, क्योंकि इसको इसके जैसा नहीं मिला ना अभी, इसलिए बस मेरी हिटलर आ रही है, कोई लफड़ा ना हो। किसके जैसा नहीं मिला? तुझको तेरे जैसी नहीं मिली ना, जिस दिन तेरे जैसी मिली ना तब बताइयो तू, हाँ तू सामने खड़ा भी नहीं होगा बेटा, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं मिला हूँ। हाँ शर्म तो तेरे में है नहीं, मुझसे गाली मत सुन सुबह सुबह। ओके गाइस देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। और ये हमारी आर्ग्यूमेंट हमेशा है, और ये बस इतना है मेरा मुंह से ये हाथ उठाता है, क्योंकि मर्द हाथ नहीं उठाता, और आगे समझ लो कि ये क्या है। बाय बाय, गुड नाइट मेरे लिए, खुद ही एक्सेप्ट है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे ऐसे करके। बाय बाय, मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ गाइस, मैं जा, क्योंकि मैं ये टाइम पे ज्यादा सोती थी ना, तो अभी जल्दी हो गया ना, तो गुड नाइट मुंह से निकल गया। सो मैं चाहती हूँ आपका दिन अच्छा हो, शुभ जाए, आप और आपकी फैमिली अच्छे से रहे। ओके बाय बाय, मेरे को सब लोग ऑल द बेस्ट बताना, मेरा काम अच्छा जाए, ओनर को कभी शिकायत का मौका ना दूं मैं, ये कोशिश है। छेत्री से हार जाए, हाँ तेरे और मेरे में कंपेयर करे ना 1000 गुना फर्क है। मैं कुछ भी हूँ, यूट्यूब बना के कमाने की तो हिम्मत रखता हूँ, तेरे में वो भी नहीं है। बाय बाय, कौन सा सैलरी अभी तक हाथ में मिला मेरे को थोड़ा बता दे, वो भी लोगों से आपने अपनी बेइज्जती करानी है तो करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलने वाला है ना? मिलने वाला कब मिलेगा? अच्छा कितने दिन छुट्टी करी? कितने दिन? दो दिन। हाँ महीने का दो दिन छुट्टी तो मिलता ही है, वो पता चलेगा। अभी तक कोई, अभी तक 3 साल साथ में रहे, एक सैलरी मेरे हाथ में नहीं आई, एक सैलरी, ठीक है ना, 3 साल एक सैलरी मेरे हाथ में नहीं आई पूरी, एक सैलरी याद रखना गाइस, याद रखना, इसकी 25-26 को सैलरी मिलेगी, देखते पूरे मेरे हाथ में आती है, घर का किराया, लाइट बिल, पानी बिल भरता है कि नहीं, इंतजार। आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, बताऊंगी जरूर। बाय बाय।